इस समय काफी लोगों के पास जो है क्रेडिट कार्ड है और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो गई है, तो क्रेडिट कार्ड से जो है अनाधुन अपना मोबाइल खरीद रहे हैं। मोबाइल भी जो है काफी महंगा महंगा मोबाइल सस्ते दामों में बेची जा रही है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो जो है काफी नाराज है, बट उनके लिए भी जो है यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, सिविल नहीं है, उनको कोई बैंक जो है क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है, एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो कि कोई भी मोबाइल परचेस करेंगे तो जो कि बिना इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई पे जो है फोन उनको मिल जाएगा, बशर्ते जो है कार्ड को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्किप करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो है क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप एक महंगा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग का कोई मोबाइल का सीरीज हो गया, कोई भी मोबाइल हो गया, नो कॉस्ट ईएमआई पे जो है बाइक कर सकते हैं। तो चलिए बकैती को करते हैं साइड में, डायरेक्ट हम आप सबको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो है बिना क्रेडिट कार्ड के आप अपना मनपसंद मोबाइल जो है ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी ईएमआई नो कॉस्ट के साथ। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ईएमआई कार्ड से फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कैसे करेंगे। अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड नहीं है तो 5 मिनट का प्रोसेस है, उसको अप्लाई कर इंस्टेंट आप कार्ड ले सकते हैं, चाहे वो आईफोन हो या कोई भी एक्सेसरीज हो, आप यहां से काफी इजी तरीके से खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सबको बताए हैं बजाज फाइनेंस कार्ड से आईफोन आप कैसे खरीद सकते हैं नो कॉस्ट के साथ। तो फाइनली यहाँ पे एक आईफोन हम सिलेक्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप को जो है हमको बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड से शॉपिंग करना है, तो उसके लिए जो है हम नीचे आएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है। यहाँ पे व्यू प्लान का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, जितने भी बैंक्स होती हैं उनका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यहाँ पे सारे ऑफर्स करती हैं। तो यहाँ पे जो है आप सबको बजाज फाइनेंस कार्ड दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम 4332 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपके पास बजाज फाइनेंस कार्ड है तो यहाँ से जो है इजी तरीका से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दिया गया, अप्लाई कर जो है वहाँ पे इंस्टेंट आप बजाज फाइनेंस कार्ड ले सकते हैं। तो आप उस लिंक पे क्लिक कर फुल वीडियो देखकर उसके बाद भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं बताया गया कि यहाँ पे 2 मंथ का जो है मेरा ईएमआई किस्ती होगा। फाइनली आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया कि 3 मंथ के लिए भी जो है आप ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए जो है आप अपना ईएमआई ले सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है आपको एक बार चेकआउट कर लेना है, उसके बाद जो है क्या करना है, आपको कोई भी मोबाइल कोई भी गैजेट्स हो उसको जो है आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जो है बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, बाय नाउ का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे और नीचे जो है आप सबको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू दिखाया जाता है। यहाँ पे जो है ऊपर में आपको एड्रेस उड्रेस दिखाया जाता है, एड्रेस अपना मेंशन कर लेंगे, मिला लेंगे, उसके बाद जो है आप सबको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख सकती हैं मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो कि यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे जो है बजाज ईएमआई कार्ड से ही खरीदेंगे। नीचे जो है यूपीआई का ऑप्शन आता है, जस्ट उसके नीचे आप जाएंगे तो नीचे जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का, आप डायरेक्ट नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है यूपीआई ऑप्शन मिलता है, वॉलेट मिलता है और यहाँ पे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड तीनों से जो है आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, ईएमआई इंस्टॉलमेंट में मिलता है, कैश ऑन डिलीवरी में मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम टिक करेंगे, टिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है कार्ड नंबर मांगा जाता है, यानी कि जो आपका बजाज फाइनेंस का कार्ड होगा, बजाज फाइनेंस का कार्ड जो है आपको फिजिकली नहीं मिलता है, आपको वर्चुअल मिलता है, जो कि बजाज एप्लीकेशन में रहता है। मैं आप सबको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बजाज फाइनेंस कार्ड देखने के लिए या अप्लाई करने के लिए जो है आपको इसी वेबसाइट पर जाना होता है, जो कि इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेज ओपन होती है, तो यहाँ पे जो है आपका कार्ड दिख जाता है। व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका कार्ड नंबर दिख जाएगा, कार्ड नंबर को जो है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कार्ड नंबर को पेस्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना हो। कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट मिलता है, एक्सपायरी डेट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीवीवी नंबर मांगा जाता है, तो बजाज फाइनेंस कार्ड पे जो है सीवीवी नंबर नहीं होता है, आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। फाइनली आप यहाँ पे अपना बजाज ईएमआई कार्ड का नंबर डालेंगे और एक्सपायरी डेट डालेंगे और उसके बाद जो है आपको पे क्लिक कर देना है। फाइनली जब आप पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी भेज जाएगा, ओटीपी डालकर कन्फर्म करेंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्डर्स हो जाती है। ऑर्डर होने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस दिखाएगी। यहीं पे जो है आप सबको यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो है अभी ऑफर चल रही है, अगर आप बजाज फाइनेंस कार्ड लेती हैं तो यहाँ पे जो है 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं बजाज फाइनेंस कार्ड तो यहाँ पे 250 रुपये जो है आपको कैशबैक मिल जाएगा और उतना आप जो है किसी भी प्रोडक्ट से माइनस करा सकते हैं।
अब बजाज फाइनेंस के ईएमआई के बारे में हम बता दें कि किस दिन को जो है इसका पैसा आपको देना होता है। तो बजाज फाइनेंस कार्ड जो है हर मंथ के 2 तारीख को जो है आपसे पैसा लेता है, यानी कि जब आप बजाज फाइनेंस कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ई मैंडेट करने के लिए आपसे एक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अकाउंट नंबर जो आप देंगे उसी अकाउंट में से जो है हर मंथ के 2 तारीख को जो भी उसका ईएमआई होगा उतना रुपया जो है उस अकाउंट से काट लेगी। तो हर मंथ के 2 तारीख को जो है आप सबको अपना ईएमआई पे करना होता है। तो हर मंथ के 2 तारीख को जो है अपना ईएमआई किस्ती देना होता है। तो फाइनली जो है आप इस प्रकार से फ्लिपकार्ट पे जो है कोई भी फ़ोन, चाहे वो आईफोन हो या सैमसंग हो, आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलती रहे।